माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस, एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट और उन्होंने हमेशा इस प्रकार की कविताएं ही लिखी हैं जो कि विपरीत अर्थों को प्रदान करती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अपनी जो कोई समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें तो उस समस्या का निवारण किया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो विनाश होने वाला है वो आग से होने वाला है। विल एंड इन फायर मतलब अग्नि में ही इस संसार पूरा भस्म हो जाएगा। लेकिन सम से कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस, लेकिन नहीं, कि इस मानवता का जो विनाश है वो यकीनन आइस में ही होगा, अर्थात आग से नहीं बल्कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो उसमें से जो मैं, मेरी इच्छा है, आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मेरी, जो मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ देता हूँ, हो फेवर फायर, जो कि किसका, जो ये समर्थन करते हैं कि अग्नि में ही इस संसार का, इस मानवता का विनाश होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं ये फायर क्या है। जो फायर क्या है, मनुष्य की बुरी इच्छाएं, जो मनुष्य की बुरी इच्छाएं होती हैं उसके स्वभाव में आग के समान होती हैं, और जिस प्रकार से आग सब कुछ भस्म कर देती है उसी प्रकार से मनुष्य की बुरी इच्छाएं सब कुछ समाप्त कर देती हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी जो अंदर जो बुरी इच्छाएं होती हैं उनको, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। चलिए चलते हैं फिफ्थ लाइन पर। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कभी कहते हैं लेकिन अगर इस मानवता को, इस संसार को दो बार इसका विनाश होना है या इसको मिट्टी में मिलना है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं घृणा के बारे में अत्यधिक जानता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, घृणा अर्थात बर्फ, यहाँ पे बर्फ की तुलना घृणा से की गई है। घृणा क्या है, एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो घृणा होती है बिल्कुल बर्फ के समान होती है। जैसे बर्फ धीरे धीरे अपना असर छोड़ती है, इसी प्रकार से जो घृणा है वो भी धीरे धीरे ही कारगर होती है। तो कवि कहना चाहते हैं, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं इनफ हेट के बारे में कुछ अधिक जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो आइस, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के लिए आइस जो बर्फ है, इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो ग्रेट मतलब ये भी एक बड़ा कार्य करती है, एंड वुड सफाइस, और इसके विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए, मानवता के विनाश के लिए जो बर्फ है वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी, और सफिशियंट, सफाइस मतलब बिल्कुल सफिशियंट रहेगी, काफ़ी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।